Let me start today's topic. As I mentioned in my message message in group, that today's lecture is in continuation with our previous lecture. The lecture title remains same as we studied previously. What is linked also? Angiosperm to plant growth and development. We have previously studied about the angiosperm plant growth and development basic introduction. Today we move forward from our previous week lectures. This photograph you have seen in my previous video also. You have a dream before your dream comes true. These are some antibiotics obtained from bacteria. Thyrotrypsin, Bacillus brevis से obtain की जाती हैं. Bacitracin, Bacillus lichenoformis bacteria से obtain की जाती हैं. Polymyxin, Bacillus polymyxa से obtain की जाती हैं. Subtilin, Bacillus subtilis से obtain की जाती हैं. Oreomycin, Bacillus streptomyces oreofaciens से obtain की जाती हैं. Erythromycin, ये काफी ज्यादा यूज में ली जाने वाली एंटीबायोटिक्स है. Erythromycin, यह स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रिया ऑब्टेन की जाती है. Neomycin, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रॉडी से ऑब्टेन की जाती है. Streptomycin, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन की जाती है. Carbamycin, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेलिस्टिडी से ऑब्टेन की जाती है. केनामाइसिन का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जहां पे वेक्टर डिजाइनिंग की जाती है. उस वेक्टर डिजाइनिंग में केनामाइसिन का काफी ज्यादा रोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और केनामाइसिन दोनों का काफी ज्यादा रोल जो है वो वेक्टर डिजाइनिंग में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर काफी ज्यादा रोल इनका. स्ट्रेप्टोमाइसिन और केनामाइसिन इन दोनों का काफी ज्यादा रोल उनमें देखने को मिलता है. Sorry for disturbance. There are some technical issue. I have told that these are antibiotics which are obtained from the bacteria, and I told you that the streptomycin obtained from the Streptomyces griseus, carbamycin obtained from the Streptomyces helicidae, canamycin obtained from the Streptomyces canamycticus. Streptomycin और जो canamycin उसके बारे में मैं बता रहा था कि streptomycin और canamycin जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर डिजाइनिंग में काफी ज्यादा यूज की जाती है. जब वहां पे जब सेलेक्टेबल मार्कर्स का उपयोग किया जाता है उसके तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और केनामाइसिन का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है, इसलिए वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में दोनों का रोल है स्ट्रेप्टोमाइसिन और केनामाइसिन का. एम्फोथेरेसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से प्राप्त की जाती है. नोवोमाइसिन, बायोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस नीगियस से ऑब्टेन की जाती है. पेरामाइसिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिस डायमोसस से ऑब्टेन की जाती है. क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोफेनिकोल यह भी काफी ज्यादा यूज में ली जाने वाली एंटीबायोटिक है. यह जो ऑब्टेन की जाती है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलेस से ऑब्टेन की जाती है. ये कुछ बेसिक चीजें थी. तो मैंने कहा था कि हम जब भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो डिस्कस करें जो कि तुम्हारे नॉलेज को भी इंक्रीज करें और कंपटीशन एग्जाम के एग्जामिनेशन के अंदर भी तुम्हें हेल्प करें. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. प्रीवियसली जहां पे हमने छोड़ा था उसी से हम स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके नोट्स भी आप लोग सभी प्रिपेयर कर चुके होंगे मैं ऐसा मानता हूँ.
पैटर्न। अब उसके बाद में हमने जब जब लास्ट टाइम पे एंड किया था, वो यही किया था कि जो अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फेजेस होते हैं या पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग फेज देख रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टार्टिंग फेज के अंदर हमें डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक जो है वो डाइकोट सीड है और एक मोनोकोट सीड है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि सीड जर्मिनेट जर्मिनेट हो रहे हैं, चाहे मोनोकोट सीड हो डाइकोट सीड हो, दोनों जो हैं जर्मिनेट वाली पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें। ये कौन सेडलिंग है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, और यह सीड कोट है जो कि रप्चर होने के बाद में या फटने के बाद में फर्स्ट कोटिलेडोनरी लीव्स का फॉर्मेशन करेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं ये डाइकोट सीड है, बीन सीडलिंग है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होने लग गया है, और प्राइमरी रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमने बताया था कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें उससे जो है। और यहाँ पे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि सीड के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीड कोट होता है, कोटिलिडन्स होते हैं, और HSRA हाइपोकोटाइल शूट रूट एक्सिस होता है, जिसको एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। एम्ब्रियोनल कुछ कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म भी पाया जाता है, तो उन्हें एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं हम। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें सीड्स की, तो सीड्स में क्या क्या पाए जा रहे हैं, सीड कॉट पाए जाते हैं, उसके अलावा कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, और कोटिलेडन्स के अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये तीनों जो है वो चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों के अंदर ही ये तीनों जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि सीड कॉट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पोर्शन होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो हाइपोकोटाइल भाग होता है और एक होता है एपिकोटाइल पार्ट। दोनों पार्ट के अंदर हम अगर आप आगे हम डिटेल में देखेंगे कि दोनों पार्ट का अपना अपना एक रोल होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक पार्ट को हम बोलते हैं प्लीमियो और एक पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल से जो जिस भी चीज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होती है, प्राइमरी रूट, और प्लीम्यूल से जिसका फॉर्मेशन होता है वो होता है शूट। यानी कि प्यूम्यूल जो है वो शूट या एरियल पार्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रेडिकल जो होता है वो प्राइमरी रूट या रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होते हैं, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं, हमें अब ध्यान से समझना है सारी चीजों को, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स जाने हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या फिर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन अभी तक हमने जाना है, लेकिन आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देख रहे हैं कि जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट किस तरीके से होता है प्लांट का। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अभी अभी मैंने यहाँ पे सीड के रिसेट रिलेटेड दिया है। यहाँ पे हम सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग किसी भी प्लांट की सीड जर्मिनेशन से ही हम मान सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस हमें देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जो वेजिटेटिव फेज होता है एंजियोस्पर्म में वो काफी लंबा होता है, यानी कि उनके जीवन का अधिकतर समय जो है वो वेजिटेटिव फेज के रहता है, और रिप्रोडक्टिव फेज केवल एक लिमिटेड टाइम स्केल के दौरान या फिर लिमिटेड टाइम के दौरान ही हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में। यानी कि जो बड़ी फेज होती है या डेवलपमेंट की जो बड़ी फेज होती है वो कौन सी होती है, वेजिटेटिव फेज होती है। यानी कि वेजिटेटिव फेज उनकी लाइफ साइकिल का अधिकतर पोर्शन कवर करती है, रिप्रोडक्टिव फेज एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही देखने प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग जब हमने कहा कि वेजिटेटिव फेज काफी बड़ी होती है, यानी कि वेजिटेटिव फेज का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, वो हमने बताया सीड जर्मिनेशन से। जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, और हम जानते हैं कि मोस्टली जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंट स्टेज में हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट जब सीजन आता है तो उस सीजन के अंदर हम सीड्स को बोते हैं मिट्टी में, और बोने के बाद में हम देखते हैं कि वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट होना शुरू होते हैं, और जर्मिनेट होना शुरू होकर सीडलिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, बस यही जो प्रोसेस है वो कहलाती है डेवलपमेंट। यानी कि प्लांट सीड से प्लांट में कैसे कन्वर्ट होता है और प्लांट से वापस सीड कैसे बनते हैं या फ्लावर कैसे बनते हैं, यही एक पूरी जो फेज है ये क्या कहलाती है, डेवलपमेंट। इसी फेज को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ के बारे में जैसे हमने कहा कि ग्रोथ केवल उस चीज बोल रहे हैं जब सेल के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पे जहां पे सेल्स डिवाइड हो रही है, या हम कहें कि डेवलपमेंट के दौरान भी जब सेल्स बढ़कर सेल्स डिवाइड हो रही है तो वो सारी फेजेस क्या कहलाएगी, ग्रोथ फेज कहलाएगी। लेकिन जैसे ये डिफरेंसेस हम काफी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, अब हम चलते हैं डेवलपमेंट के ऊपर।
डेड सीड जर्मिनेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि जो शुरुआती डेवलपमेंट होता है प्लांट का, वो किससे होता है? सीड जर्मिनेट होने से। यानी कि पहले जो हो शुरू, सबसे पहले क्या होगा? सीड जर्मिनेट होगा। सीड जर्मिनेट होगा तो फिर क्या होंगे, बाकी के जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना शुरू होगा, वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट करता है प्लांट अपना, वो सभी सभी हम सब हमें अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी हमारे लिए समझना जरूरी है कि सीड जर्मिनेशन डिपेंडेंट ऑन, यानी कि सीड जर्मिनेशन जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सीड जर्मिनेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है सीड को जर्मिनेट होने के लिए। मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि मिट्टी में जब हम सीड को बो रहे हैं तो सीड के अंदर उस मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, ताकि सीड जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर सके, वाटर एब्जॉर्ब कर सके, और वाटर जब उनके अंदर एब्जॉर्ब होगा तो उनके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाएगी, और सीड कोट रप्चर होकर डेवलपमेंट वाली सीड जो अभी तक डोरमेंट है वो अब जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद में हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। डे लाइट ओवर्स, यानी कि उनको सीड्स जो होते हैं उन्हें डे लाइट ओवर्स भी चाहिए। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारे जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर दे रखा है सीड जर्मिनेशन नाम से एक टॉपिक अलग से दे रखा है, वहां पे हम इन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इम्बिशंस, यानी वाटर को अंदर की तरफ लेना। कोट रप्चर्स, यानी कि सबसे पहले जो किस तरीके से सीड जनरेट होता है उसकी प्रोसेस यहाँ पे लिखा रखी है। जैसे हमने पहले ही कहा कि जो वाटर होता है वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है सीड, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इम्बिशंस की प्रोसेस होती है उसके अंदर। इम्बिशंस के जरिए वाटर जब सीड के अंदर जाना शुरू कर देता है तो सीड के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाती है या फट जाती है। जैसे सीड कोट रप्चर होती है तो कोटिलेडंस जो होते हैं, कोटिलेडंस है, एम्ब्रियन लैक्सिस है, उसके अंदर हमने जैसे पहले बताया कि रेडिकल और प्रिम्यूल है, उन सब के अंदर सेल्स जो है वो डिवाइड रहना शुरू कर देती है, और उसकी वजह से ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती है। जैसे ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है तो मैंने बताया था कि मेरिस्टमेटिक सेल्स स्टार्टिंग से डिविजन करना शुरू करती है। जब मेरिस्टमेटिक सेल्स डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने के बाद में हमने बताया था कि मेरिस्टमेटिक सेल्स मिलकर एक मेरिस्टमेटिक सेल्स जब डिवाइड करेगी तो वो खूब सारे सेल्स मिलकर एक मेटामर का फॉर्मेशन करेंगे, और वो खूब सारे मेटामर्स मिलकर एक मॉड्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और जब मॉड्यूल बन जाएगा तो एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि उस मॉड्यूल के अंदर जितनी भी सेल्स मौजूद होगी वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होगी, और डिफरेंशिएटेड सेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमने बताया था कि डिफरेंशिएटेड सेल्स जो भी होती है वो उनके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाता है, पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो सब डिटेल की प्रोसेस है। अभी हम जब जान रहे हैं तो हमने कहा सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहले सीड के अंदर इम्बिशन हुआ, इम्बिशन होने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने से सीड कोट जो है रप्चर हो गया या फट गया। सीड कोट रप्चर होते हैं सीड सेल्स फ्रॉम एच टू अपटेक करने की वजह से सीड जो है वो स्वेल करना या सीड का फूलना जो है वो शुरू हो गया, जिसकी वजह से सीड कोट जो है वो रप्चर हो जाती है। यहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट जो कि अगर हम बात करें तो बार बार हम इसको स्टार्टिंग से ये लेके आ रहे हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सबको हम डिटेल में जान रहे हैं ताकि जरा सा भी डाउट आप लोगों के मन में ना रहे कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है, ये डाउट जरा सा भी नहीं रहे। इसीलिए बार बार में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। ग्रोथ के नीचे लिखा हुआ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट के नीचे लिखा है क्वालिटेटिव। इट मींस ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ये छोटा सा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, जिसके जरिए हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। यानी कि ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस and development is a qualitative process. What is the difference between the quantitative and qualitative? Quantitative means numbers, size and volume. It means in growth, number, size और volume जो है वो increase होता है। अगर ऐसी conditions होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि growth कहते हैं। यानी कि अगर quantitative increase हमें देखने को मिले या quantitative processes हमें देखने को मिले तो उसे हम growth कहेंगे। लेकिन अगर क्वालिटेटिव देखने को मिले, यानी कि क्वालिटी देखने को मिले, क्वालिटी मीन्स
ऑर्गन फॉर्मेशन, यानी कि अगर एक ऑर्गन अच्छे वेल डेवलप्ड ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लग गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस। इमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसको किसको बोले हम, इमर्जेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, यानी कि ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना या उनका इमर्जेंस होना, यानी उनकी उत्पत्ति होना जो है वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। तो ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव मेथड एंड डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव मेथड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। How we can measure the growth? We previously studied about it. हम पहले study कर चुके हैं कि measurement किस तरीके से किया जा सकता है, या तो length में increase हो, या फिर volume में increase हो, या फिर numbers of cells जो है वो increase हो। इनके examples भी इनके सामने लिखे हुए हैं कि किनमें हम किस तरीके से measure कर सकते हैं growth को। अब अगर हम बात करें types of growth and development, तो वहां पर हम पहले discuss कर चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो फेजेस होती है, दो फेजेस के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वेजिटेटिव फेज में और रिप्रोडक्टिव फेज में। अभी जैसे मैंने बताया था कि वेजिटेटिव फेज जो होती है वो काफी बड़ी फेज होती है एंजियोस्पर्म में, और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो काफी छोटी फेज होती है, यानी कि काफी कम टाइम के लिए जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में देखने को मिलती है इन कंपेरिजन टू द वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज में कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन होता है, और रिप्रोडक्टिव फेज में एक्युमुलेशन होता है, यानी कि इसका स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट की ग्रोथ को कौन सी ऐसी छह प्रोसेस है जो यहाँ पर मेंशन हो रखी है, ऐसी छह प्रोसेस है जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है, वो कौन कौन सी ऐसी छह स्टेजेस है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कुछ छह प्रोसेसेस जो कि प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करती है या अफेक्ट करती है कि किस की प्लांट की ग्रोथ किस वे में जाएगी, पॉजिटिव होगी या फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, या डिसाइड होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिप्रोडक्शन। इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिसाइड होती है कि जो है वो किस तरीके से ग्रोथ करेगा या कितनी होगी या कब होगी, ये सब डिसाइड इन छह स्टेप्स की हमें देखने को मिलती है, इस प्रोसेसेस की वजह से हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। ग्रोथ की प्रोसेसेस की, तो जिसमें जैसे हमने फर्स्ट लिखा था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस काफी बेसिक चीज है जो हम काफी पुराने समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे भी बेसिक तौर पे केवल जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस हम किसे कहेंगे, क्रिएटिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2, वाटर और सनलाइट के उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का क्रिएशन क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। इसी तरीके से हम अगर रेस्पायरेशन की बात करें, तो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है जिसको हम सब जानते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि दो फेजेस प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज। तो हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेजिटेटिव फेज में कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होगा और रिप्रोडक्टिव फेज में होगा कार्बोहाइड्रेट का। अब इस चीज को मैं रिलेट करना चाहूंगा जो अभी हम आगे की चीज देख रहे हैं उसमें। यहाँ देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण करने का मतलब स्टोर करना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके उसे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो निर्माण किसके थ्रू हो रहा है उसका, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होगा, और जो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाएगा और प्लांट्स के सभी ऑर्गन्स तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। ये और इसी तरीके से अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एनर्जी का यूटिलाइज करना है, और एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू हम कह रहे हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है, इसको हम छोटे छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया, तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक डाउन जब होगा उनका तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कौन सी है, केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो केमिकल एनर्जी है उसे प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ओरिजिनेटिंग थ्रू द फोटोसिंथेसिस
यानी कि वो केमिकल एनर्जी जो कि ओरिजिनेट हुई है फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो कौन सी हुई है, कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका जो केमिकल एनर्जी है उसका उपयोग किया जाता है वो डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स के द्वारा। अब अगर हम बात करें नेट फोटोसिंथेसिस की, यानी कि नेट कितनी एनर्जी जो है वो नेट जो प्लांट को प्राप्त होती है, या कितनी नेट एनर्जी जो है वो प्लांट्स के पास में स्टोर रहती है, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल फोटोसिंथेसिस माइनस टोटल रेस्पायरेशन। यानी कि टोटल फोटोसिंथेसिस में से अगर टोटल रेस्पायरेशन को हम माइनस कर दें या हटा दें, तो उससे जो बचेगी वो क्या कहलाएगी, नेट फोटोसिंथेसिस। वो जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी, वो क्या कहलाएगी, नेट फोटोसिंथेसिस। नेट फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास बचेगी, उस नेट फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल यील्ड के नाम से। यानी कि बायोलॉजिकल से कहेंगे जो टोटल नेट फोटोसिंथेसिस जो प्लांट के पास में बचती है या सेव होती है वो कहलाती है बायोलॉजिकल यील्ड ऑफ द प्लांट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन फॉर्मुलेज को इंक्रीज। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि नेट फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू बायोलॉजिकल यील्ड, और अगर हमें बायोलॉजिकल यील्ड को इंक्रीज करना है, हमें बायोलॉजिकल यील्ड को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना होगा। और अगर नेट फोटोसिंथेसिस को हमें अगर बढ़ाना होगा तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो रेस्पायरेशन की रेट की तुलना में कम हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब नेट फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा तो बायोलॉजिकल यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और या फिर क्या हो कि टोटल रेस्पायरेशन रेट तो सेम रहे लेकिन फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाए, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज होगी तो भी क्या हो जाएगा, नेट फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज लास्ट में लिखी हुई है यहाँ पे क्लाइन के जरिए, इंक्रीजिंग टोटल फोटोसिंथेसिस और डिक्रीजिंग रेस्पायरेशन विल इंक्रीज बायोलॉजिकल यील्ड। यानी कि या तो टोटल फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाए या फिर रेस्पायरेशन टोटल रेस्पायरेशन जो है इंक्रीज हो जाए, दोनों ही कंडीशन में बायोलॉजिकल यील्ड जो है वो इंक्रीज होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एज ए प्लांट जर्मिनेट्स एंड मैच्योर्स, इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जैसे जैसे प्लांट जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद जब प्लांट मैच्योर बढ़ता है, उस दौरान ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों प्रोसेसेस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, ग्रोथ जो है वो हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि ग्रोथ अराइजेस, ग्रोथ जो है वो न्यू सेल्स का एडिशन करना या फिर इंक्रीज इन देयर साइज या फिर उनकी साइज में इंक्रीज होना। जबकि डेवलपमेंट को क्या है, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्स डिफरेंशिएटिंग इनटू अ डाइवर्सिटी ऑफ टिश्यूज दैट मेक अप ऑर्गन्स सच एज रूट्स शूट्स लीव्स एंड फ्लावर्स। डेवलपमेंट इसे कहा गया है डिफरेंशिएटिंग सेल्स की के रिजल्ट के तौर पर टिश्यू डाइवर्सिटी और उन टिश्यूज के अंदर डाइवर्सिटी आने की वजह से अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। अलग अलग ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि रूट्स शूट्स लीव्स फ्लावर्स, इस तरीके की जो सारी चीजें हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होना और उनके फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, टिश्यूज में डिफरेंशिएशन आना यानी कि डाइवर्सिटी आना। अगर टिश्यूज में डिफरेंट डाइवर्सिटी आएगी तभी अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर टिश्यूज सेम रहेंगे तो फिर सेम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टिश्यूज खूब सारे टिश्यूज मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और खूब सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स हैज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, इनमें से सभी ऑर्गन्स जो है वो अपना एक फंक्शन रखते हैं, कोऑर्डिनेटेड टू द इनेबल्ड दैट इंडिविजुअल प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द स्पाइरल ऑफ लाइफ। और इससे क्या होगा, ये सभी ऑर्गन्स जो है अपने फंक्शन करेंगे पूरी लाइफ के दौरान, यानी कि प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो ये अपना अपना फंक्शन करेंगे और प्लांट को डेवलपमेंट के रोल डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे। यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो हमें पूरे प्लांट को पूरे डेवलपमेंट की प्रोसेसेस के दौरान हमें देखने को मिलेगा। एज द प्लांट ग्रोस, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है स्टेम इलोंगेट होता है एट द इंटरनोड्स, तो स्टेम इलोंगेट करना शुरू करता है नोड्स को, या जिसे इंटरनोड्स भी हम देख कहते हैं। इंटरनोड क्या है वो आगे लिखा हुआ है, इंटरनोड विच इज द स्पेस इंटरनोड्स क्या होते हैं वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से।
वेयर द लीव्स अटैच, यानी नोड वो वाला पोर्शन है जहां से लीव्स का फॉर्मेशन होना शुरू होता है या लीव निकलना होती है, उस हिस्से को हम बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच में जो डिफरेंस, जो दो नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है उस कहते हैं इंटरनोड। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा वैसे वैसे स्टेम इलोंगेट होगा और इंटरनोड के इंटरनोड जो है वो इंक्रीज होगा और फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और फाइनली जो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में जब सारे ऑर्गन समाप्त हो जाता है तो सभी ऑर्गन अपना काम करना शुरू करते हैं। लीव्स का काम हम जानते हैं कि लीव्स का काम होता है, लीव्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस का, वाल ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करना। इस तरीके से हम जानते हैं कि लीव्स जो वो अपना काम करेगी, फ्लावर अपना काम करेगा और जिन्हें ऑर्गन अपना अलग काम करना शुरू कर देंगे। स्टेम ऑल्सो अलाउ, और स्टेम का क्या काम है वो हम यहाँ देख रहे हैं। स्टेम ऑल्सो अलाउ फूड वाटर एंड मिनरल्स टू मूव थ्रू आउट द प्लांट। स्टेम फूड वाटर और मिनरल्स को मूव करेगा पूरे प्लांट के अन्य भागों तक या अदर ऑर्गन्स तक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एम्ब्रियोनिक और जुवेनाइल पीरियड। यानी कि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट केवल इतना ही नहीं है कि हम उसे इतना सा लिमिटेड कर दें केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर जुवेनाइल पीरियड तक। जुवेनाइल पीरियड किसे बोलेंगे हम, यहाँ पे इनिशियल जो सीड डेवलपमेंट होता है, इनिशियल सीड जर्मिनेशन होता है, उस दौरान जो सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा उस प्राइमरी जो सीडलिंग है उस सीडलिंग को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल पीरियड। इसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है केवल उसी को लिमिटेड यहाँ पे क्या कहा जा रहे हैं कि ग्रोथ जो डेवलपमेंट हम इतना सा नहीं कह सकते, हम इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि एम्ब्रियोनिक और जुवेनाइल पीरियड तक हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट बट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्लांट की कंप्लीट लाइफ दौरान जारी रहती है। एट एनी इंस्टेंस टिपिकल प्लांट कंसिस्ट, तो अगर हम इसे कहें कि किस तरह कहें कि जो प्लांट है वो प्लांट जो है उसके डेवलपमेंट के लिए हम किन किन पीरियड्स को माने, तो उसमें एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स होने चाहिए, डेवलपिंग ऑर्गन्स एंड मैच्योर ऑर्गन्स। यानी कि एम्ब्रियोनिक ऑर्गन्स जब जन्म से हो जाएगा उसके बाद में एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो अपना फंक्शन करना शुरू करेगा, उसकी वजह से ऑर्गन्स डेवलप होंगे, मेडल्स बनेंगे और मॉड्यूल से फिर जो है वो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। जब ऑर्गन्स बन जाएंगे तो फिर वो ऑर्गन्स होना शुरू होंगे। पूरी जो प्रोसेस यानी एम्ब्रियो से लेकर ऑर्गन फॉर्मेशन, ऑर्गन सारी स्टेजेस को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हम देख भी पा रहे हैं कि प्लांट डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमें सीड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पढ़ना होता है कि सीड जर्मिनेशन पढ़ना होता है। सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो फिर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, रूट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, और एक बार शूट और रूट की डेवलपमेंट होना शुरू हो गए तो प्लांट की लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और लास्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, शूट का जो टिप है मॉडिफाइड होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लावर में कन्वर्ट हो जाने के बाद डेवलपमेंट होना शुरू होगा और फ्लावर और जो फ्रूट का डेवलपमेंट हम देखेंगे। तो ये यानी कि सीड जर्मिनेशन, शूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्लावर एंड फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन, ये प्रोसेस है सीड का फॉर्मेशन, ये सारी जो प्रोसेस है इन सब मिलाकर हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। इस तरीके से हम यहाँ डायग्राम के जरिए देख पा रहे हैं शुरुआती तौर पर ये प्राइमरी, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ग्रोथ स्टार्ट हुई है, ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हाइपोकोटाइल रीजन है, ये कोटिलीडन है और ये सॉइल लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोटिलीडन्स को हम जानते हैं कि कोटिलीडन्स को फर्स्ट लीफ के तौर पर भी जाना जाता है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट की अभी तक धरती के अंदर है, सोइल सरफेस के अंदर है सीड। अब यहाँ से जर्मिनेट होने शुरू हुआ और जर्मिनेट होके ये देख पा रहे हैं हम कि सोइल सरफेस से बाहर की तरफ शूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है और एपिकोटाइल हुक का निर्माण होना शुरू हो गया है। डेवलपमेंट किसे कहेंगे, ये ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत अच्छी चीज है और ये जानना बहुत जरूरी है। प्लांट डेवलपमेंट किसे कहेंगे, ये फेजेस हमने बताई, जैसे सीड जर्मिनेशन है, सीड स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए हमें, सीड जर्मिनेशन को होता है, फिर उसके बाद शूट डेवलपमेंट होता है, फिर रूट डेवलपमेंट है, फ्लोवर का फॉर्मेशन है, फ्रूट डेवलपमेंट है, ये सारी जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस को मिला के तो बोलेंगे हम डेवलपमेंट। और ग्रोथ किसे कहेंगे हम, ग्रोथ कहेंगे जब एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर हम जब डेवलपमेंट देखेंगे, डिवीजन देखेंगे और डिवीजन की वजह से सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे और जब सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे तो खूब सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करना शुरू करेगी और सेल्स में डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाएगा। और जब टिश्यूज मिलेंगे तो वो खूब सारे टिश्यूज मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाएंगे और जब खूब सारे टिश्यू सिस्टम एक साथ मिलेंगे तो उसे हम मेटामर